दोस्तों आप लोग कैसे हो। मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि SSB ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड को लेके है। इसमें मैं आपको लेटेस्ट और ऑफिशियल ये बताने वाला हूँ कि SSB की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है एग्ज़ाम डेट को लेके। आप सभी लोगों को मैं वो अपडेट ऑफिशियली SSB की साइट पर दिखाने वाला हूँ कि SSB ने क्या नोटिस जारी किया गया है, और बात करें कि कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, उसको लेके पूरी अपडेट इस वीडियो में रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब बात करें, बहुत साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे SSB ट्रेड्समैन की, ये 2020 की वैकेंसी थी। अब इसको लेके ऑफिशियली एडमिट कार्ड को लेके नोटिस जारी हो गया है, वो मैं नोटिस पे ले चलता हूँ। मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ, ये नोटिस जो है ऑफिशियली SSB की तरफ से जारी किया गया है। ये नोटिस की मैं आपको पूरी अपडेट बता देता हूँ। आप देख सकते हो, ये नोटिस को जूम करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या है, कृपया सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली के फेज 7 संदेश, उनके लिए एक संदेश भेजा जाता है जिसमें कि सीटिक ड्राइवर 2022 10 दिनांक 23/9/2022 के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें कि लखनऊ में दिनांक 13/11/2022 को गोरखपुर में आयोजित होने वाली आरक्षी पद की लिखित परीक्षा हेतु। देख सकते हैं, गोरखपुर में जो आपका सेंटर बनाया गया है SSB की परीक्षा को लेकर, जो कि 13/11/2022 को आपके जो गोरखपुर सेंटर है उसमें आपकी ये SSB ट्रेड्समैन की जो भर्ती परीक्षा है वो होने वाली है। तो इसके लेके ये कंफर्म अपडेट है कि जो बाकी सेंटर भी अलाउड किए गए हैं SSB को अलग अलग जो स्टेट में, उस पर भी एग्ज़ाम इसी डेट को होगा 13/11/2022 को। तो ये कंफर्म मैं बता सकता हूँ कि आपको जो एडमिट कार्ड है आपको एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले मिला गया, मतलब एक हफ्ते पहले आपको डेट बता दी जाएगी कि कब तक आपका एग्ज़ाम है और कब से आपका सेंटर पर आयोजित होने वाला है। तो एक हफ्ते पहले, तो मतलब ये कंफर्म हो गया है कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंफर्म होने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने प्रैक्टिस तैयारी ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।